Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of February 2019. तो 25 फरवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन या OIC कॉन्फ्रेंस, जो भी आप बोलना चाहते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस. स्टेटमेंट वन इज सेइंग दैट ये यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. स्टेटमेंट टू इज सेइंग दैट इंडिया हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस विद OIC. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर टू इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ऑलिव रिडली टर्टल्स. ऑलिव रिडली टर्टल्स के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट वन इज सेइंग दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड. स्टेटमेंट टू इज सेइंग दैट दीज टर्टल्स अलॉन्ग विद द कैंप रिडली टर्टल आर बेस्ट नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरिबाडा. तो अरिबाडा के लिए जाने जाते हैं. स्टेटमेंट थ्री सेइंग दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडेंजर्ड बाय द IUCN रेड लिस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर थ्री इज सेइंग दैट रिसेंटली न्यूज नियम राजा द डीटी इज वर्शिप्ड ग्रैंडली ड्यूरिंग द 3-day फेस्टिवल नियम राजा पर्व. ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेट दिस नियम राजा पर्व? ऑप्शन आर ए भील, बी अंगामी, सी डोंगरिया खोन या डी खासी. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Now friends, let's start with the news analysis part. If you have the newspaper either in physical or digital format, you can open that with me and we will be completing the newspaper together. The first news is from the front page only. यहाँ पे protest हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में. ईटानगर में बहुत सारे आर्सन हुए and वहाँ पे 2 लोगों की जान भी गई. Now we have to discuss what is the reason behind this protest that is going on in अरुणाचल प्रदेश. क्या issue है अरुणाचल प्रदेश में? आपको एक बार मैं समझाऊंगा, पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा. बेसिकली द इशू इज रिगार्डिंग परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स बींग गिवन टू 6 कम्युनिटीज. ओके, तो अभी रिसेंटली एक कमिटी बनी थी जिसने कि ये बोला कि 6 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि नेटिव कम्युनिटीज तो नहीं है अरुणाचल प्रदेश की, लेकिन बहुत दिनों से वो रह रही हैं वहाँ पे, इसलिए उनको अपन क्या दे दें, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स दे दें. ओके, तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि पहली चीज़ तो वॉट इज परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, दूसरा ये कि इशू क्यों, क्या है और क्यों हो रहा है. सो बेसिकली परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड टू इंडियन सिटीजन्स दैट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ रेसिडेंस एंड इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज रेसिडेंशियल प्रूफ फॉर ऑफिशियल पर्पस. ओके, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए रेसिडेंस का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है. एंड ये अरुणाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली बोला गया कि 6 कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको ये दे दिया जाए. अब वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की वो नॉन एसटी कम्युनिटीज हैं. नाउ दिस इज अनदर फैक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अब हम देख लेते हैं व्हाट द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड. ओके, तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन द स्टेट इज कंसिडरिंग इशूइंग सर्टिफिकेट्स टू 6 नॉन अरुणाचल प्रदेश एसटी कम्युनिटीज. मतलब वो अरुणाचल प्रदेश में एसटी कम्युनिटीज नहीं है, फिर भी ऐसी 6 कम्युनिटीज को वहां का पीआरसी यानी कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है. दिस इज व्हाट हैज बीन डिसाइडेड. ओके, अब वो कौन कौन से कम्युनिटीज हैं? बेसिकली जो कम्युनिटीज हैं वो है देवरीज, सोनोवाल, कछारीज, मोरंस, आदिवासीज, मिशिंग्स, ये मिशिंग है ना, तो ये सारी कम्युनिटीज हैं, ये कुछ कम्युनिटीज हैं. अब ये जो कम्युनिटीज हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द नेबरिंग असम रीजन. ओके, तो असम रीजन में ये बेसिकली एसटी कम्युनिटीज हैं और अरुणाचल प्रदेश में ये एसटी नहीं है, फिर भी इनको क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, पीआरसी यानी कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है. ओके, सो दिस इज द इशू. अब अरुणाचल प्रदेश में लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज देर इज अ रिसेंटमेंट अमंग द सेवरल कम्युनिटीज बेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश. जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ पे बेसिकली कम्युनिटीज रिसाइड कर रही हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो इसको मुद्दा बना रही हैं दैट अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है देन द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल विल बी टेकन ऑफ. ओके, अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है, जो वहाँ के लोकल इंडिजिनस लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनके अधिकारों का हनन होगा. दिस इज व्हाट द इंडिजिनस ट्राइब्स आर सेइंग इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो ये याद रखेगा, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल राइट्स हैं जो कि एजुकेशनल या एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड राइट्स हैं जो कि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ इंडिजिनस कम्युनिटीज चाहती हैं कि केवल वहाँ के लोगों को मिले. और अगर ये परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो फिर बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो नॉन एसटी कम्युनिटीज़ हैं इन द अरुणाचल प्रदेश, दे विल ऑल्सो गेट द सेम बेनिफिट्स. तो वो चाहते नहीं है कि शेयर हो ये चीज़ें विद द नॉन एसटी कम्युनिटीज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ओके, बेसिकली द इशू इज दैट कि जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, दे डू नॉट वॉन्ट एनी शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल राइट्स, एनी शेयरिंग ऑफ द employment rights. Okay, so basically for that reason they are saying that कि ऐसा नहीं होना चाहिए. Why are you doing so? Okay,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना जरूर। अब यहाँ पे एक लोकेशन का नाम आता है नामसाई एंड चांगलांग, ओके, तो नामसाई एंड चांगलांग। अच्छा, वहाँ पे जो 6 कम्युनिटीज थी वो याद रखिएगा, गोरखाज भी उसमें से एक है, ओके, उनमें से गोरखाज हैं। देखो, देवरीज, सोनोवाल, कछारीज सेकंड हो गई, मोरंस 3, आदिवासीज 4, मिशिंग 5 एंड गोरखाज 6, ओके, सो दीज आर द 6 कम्युनिटीज, नॉन एसटी कम्युनिटीज। ये पूरा इशू है जो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, पीआरसी का पूरा इशू और इंडिजिनस ट्राइब्स क्या चाहती हैं और क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, पीआरसी क्या होता है बेसिकली, ये पूरा इशू एक बार में मैंने सोचा कि बताना ज़रूरी है। अगर आपको इसमें समझ में आ गया तो आई होप इसके बाद आपको क्लैरिटी रहेगी और क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे अगर कुछ आता है इस तरीके से, है ना। तो दिस इज़ द न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट पेज। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। UN body hails Odisha on women reservation. Now, United Nations entity for gender equality, जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड बॉडी है यूनाइटेड नेशंस में, उसका नाम है UN Women, ओके, उसको बोलते हैं UN Women. And now they have complimented the government of Odisha for proposing 33% reservation for women in the parliament on the state assemblies. तो अभी रिसेंटली हमको पता है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने ये प्रपोज किया था कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर द वुमेन बोथ इन पार्लियामेंट एज वेल एज इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो उस चीज का काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट किया गया है बाय दिस यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो यूएन वुमेन ने काफी सपोर्ट किया है। तो अब एक और चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यूएन वुमेन है क्या, कब बनी थी, क्या था, ये देख लेते जल्दी से। तो यूएन वुमेन वॉज एस्टेब्लिश इन 2010 बेसिकली बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो 2010 में यूएन वुमेन को बनाया गया था बेसिकली, एंड इट इज द बॉडी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो किसके लिए काम करती है, इट वर्क्स फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एंड बेसिकली इसका गोल भी यही दोनों ही है, यही दोनों इसके गोल हैं, यही दोनों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड इट बिकेम ऑपरेशनल फाइनली इन 2011, 2010 में ये फाउंड हुई थी लेकिन ऑपरेशनल कब से हुई, 2011 से। तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस यूएन वुमेन, आई होप अब आपको क्लैरिटी इसके रिगार्डिंग आ गई होगी। अब सेडिशन चार्ज पे एक आदमी को पकड़ा गया है सोशल मीडिया पोस्ट के रिगार्डिंग, तो सेडिशन का बस आर्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेक्शन बताना चाहता हूँ बेसिकली, 124A, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी बेसिकली डील्स विद द सेडिशन चार्ज, ओके, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ था। उमेश यादव से तो बहुत खुश नहीं हूं मैं, क्योंकि कल इनके कारण हम मैच भी हार गए, फाइनल ओवर में यार इसने बॉलर्स को 14 रन दे दिए, बताओ, है ना, तो दैट इज नॉट डन। उमेश यादव को अच्छी और अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, एंड फाइनल ओवर में हम हार गए, बॉलर्स ने वह कूटन आइलो जैसे बॉलर ने 14 रन बना दिया, बताओ, दैट इज नॉट थिंग। Now Bengaluru as show host under a cloud. Now this is what has been done has been said regarding 12th edition of Aero India. अब आपको पता है कि जो 12th edition Aero India का था वो कहाँ हुआ, वह बेंगलुरु में हुआ, और एक एयर फोर्स स्टेशन का नाम आपको जरूर याद रखना, येलहंका एयर फोर्स स्टेशन, जो कई बार इस बार न्यूज़ में आया इस साल। तो अगर लोकेशन टाइप क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते हैं, दे कैन आस्क यू दैट, तो याद रखिएगा वो भी। बट नाउ अभी जैसा कि हुआ यहाँ पे बहुत सारी, जैसे 300 के लगभग गाड़ियाँ वहाँ पे जल गई, एक फॉरेस्ट में जो नियर बाय एरिया में फॉरेस्ट था वहाँ फायर हो गया, फिर वहां पे क्रैश हो गया हमारे यहाँ का एक प्लेन हमारा क्रैश भी हो गया, जिसमें हमारे एयरफोर्स हमारे पायलट जिनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये सारी चीजें होने के बाद ना, इट इज नॉट वेरी क्लियर दैट विल बेंगलुरु बी होस्टिंग द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द एरो इंडिया और नॉट, ओके। वैसे एयरोस्पेस हब है, यू हैव टू रिमेंबर दैट बेंगलुरु इज द एयरोस्पेस हब ऑफ द कंट्री, ओके, तो एयरोस्पेस हब ऑफ द कंट्री कौन है, बेंगलुरु ही है, लेकिन नेक्स्ट एडिशन वहां होता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एरो इंडिया जो 12th एरो इंडिया एडिशन था उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, और यहाँ पे इस न्यूज़ में आपको दिख रहा है, अगली न्यूज़ में देखो फायर हो गया वहाँ पे, फिर आपको इस न्यूज़ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फायर एट फॉरेस्ट एरिया क्लोज टू बेस, ये सारी चीज़ें भी इसी कारण हो रही है। सो वही इशू है कि क्या अगली बार से इसको होस्ट बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट 12th एयरो इंडिया कहाँ पे हुआ, वो बेंगलुरु में हुआ, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ओके। नाउ फायर स्प्रेड्स इन बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क में फायर स्प्रेड हुआ है, तो कल भी मैंने आपको बताया था बांदीपुर कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटका में ही है, बेंगलुरु मैसूर रीजन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये पड़ता है बांदीपुर नेशनल पार्क, यू हैव टू रिमेंबर दैट। नाउ एक और फायर सिस्टम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, फायर इन्फॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो नासा का फर्म्स कहलाता है, फर्म्स FIRMS। अगर आपसे कोई क्वेश्चन जैसे UPSC पूछ सकता है, फर्म्स वॉज रिसेंटली न्यूज, What is it? Okay, this can be a question. Firms was recently news. What is it? या फिर
किसका सिस्टम है, किसका सिस्टम है ये, ओके। तो ये आपको याद रखना कि नासा का सिस्टम है, एंड अगर पूछता है व्हाट इज इट, देन इट इज फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। याद रखिएगा, फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, नासा फर्म्स, वी हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। ना यहाँ पे एक न्यूज़ में एक अच्छा कंसेप्ट आया था काउंटर फायर का, आई डिड नॉट नो दिस, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन ये बहुत अच्छा, मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा था, लेकिन सुनने में मजा आ रहा है। काउंटर फायर क्या है, ओके। तो बेसिकली काउंटर फायर इज वन ऑफ द मेथड्स टू कंटेन फॉरेस्ट फायर, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी यहां पे स्टेटमेंट टाइप से दे सकती है, दैट काउंटर फायर इज वन ऑफ द मेथड टू कंटेन फॉरेस्ट फायर, दिस कैन बी ए स्टेटमेंट इन इटसेल्फ, याद रखेगा ये ट्रू रहेगा। काउंटर फायर वैसे तो आपको समझ में आएगा कि अपने से आग लगा दो, मतलब आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर हुआ है, फिर आप अपने से भी आग लगा दो, तो ये कहां का नियम है ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहां पर देखो इसने एक्सप्लेन किया है, दैट वन ऑफ द मेथड टू कंटेन फॉरेस्ट फायर इज काउंटर फायर, इट इज अ टेक्निक इन विच वाइल्ड फायर इज डाउज्ड बाय डेलिबरेटली सेटिंग फायर इन द अपोजिट डायरेक्शन, बेसिकली जहां से फायर शुरू है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फायर लगा दो, ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन से आप फायर कर दो, तो उससे क्या होगा, जो इनवर्ट मूवमेंट होगी काउंटर फायर की वो कंज्यूम कर लेगी सारे वेजिटेशन को एंड लीव्स को, ओके। जो इनवर्ट फायर होगा दैट विल कंज्यूम ऑल द वेजिटेशन एंड लीव्स एंड इट विल लीव अ ऑल द वेजिटेशन एंड इट विल लीव अ बेयर स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, विद नो फ्यूल टू बर्न। तो ये जब सारा वेजिटेशन कंज्यूम कर लेगी तो कोई भी फ्यूल नहीं बचेगा फॉर द फायर टू बी देयर, एंड जो वाइल्ड फायर रहेगा फिर एक्सटिंग्विश हो जाएगा नेचुरली, ओके। तो जब फ्यूल ही नहीं रहेगा तो वाइल्ड फायर अपने आप बुझ जाएगा, तो वही है कि फायर को फायर ही काटता है, ये भी याद रखिएगा कि दैट काउंटर फायर इज देयर, काउंटर फायर इज वन ऑफ द मेथड्स टू कंटेन द फॉरेस्ट फायर। देखो यही मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट यूपीएससी कैसे देगा, यूपीएससी आपसे टेक्निक नहीं पूछेगा, टेक्निक पूछेगा तो भी आपको पता चल गई कि अपोजिट डायरेक्शन में फायर ला दो वो पूरा वेजिटेशन कंज्यूम कर लेगा, जब पूरा वेजिटेशन कंज्यूम कर लेगा तो वाइल्ड फायर के पास कोई वेजिटेशन ही नहीं बचेगा, कोई फ्यूल नहीं बचेगा, और फिर वो नेचुरली एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अदरवाइज यूपीएससी जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेसिकली यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसमें से एक स्टेटमेंट रहेगा काउंटर फायर इज वन ऑफ द मेथड टू कंटेन वाइल्ड फायर, तो वहां पे आपको याद रखना है कि दैट इज ट्रू। स्मार्ट टर्न करीमनगर लुक्स टू द सन, बेसिकली यहाँ पे तेलंगाना का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन सेंटर है, दैट इज करीमनगर। तो करीमनगर कहाँ पर है याद रखिएगा, तेलंगाना फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन सेंटर। अब ये केस स्टडी के रूप में आप लिख सकते हैं दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या किया है, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसने ये नियम निकाला है दैट ऑल द हाउसेज अपार्टमेंट्स कम्युनिटी हॉल्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स विद अ बिल्ट अप एरिया ऑफ मोर देन 300 स्क्वायर यार्ड, जिनका 2700 स्क्वायर फीट से ज्यादा का एरिया रहेगा, दे विल इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन द रूफ टॉप्स, ओके। 2700 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जितने भी कम्युनिटी हॉल्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, अपार्टमेंट्स, हाउसेस हैं, उनको सोलर पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ बेसिकली दे हैव बीन ट्राइंग टू जनरेट 1.545 मेगावाट ऑफ पावर थ्रू सोलर रूफ टॉप पैनल्स, ओके। तो ये वो चाहते हैं प्रोड्यूस करना, और इस कारण से उन्होंने सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को जिनका एरिया 2700 स्क्वायर फीट से ज्यादा है उसको बोला है That you will install solar panels, okay? This can be a case study. आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, करीमनगर नाम याद रखिएगा, ये तेलंगाना का फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन सेंटर है। Now let's move to the next page, आगे की तरफ मूव करते हैं। A shot in the arm for upgrade of AN-32 aircraft, okay? अब देखो AN-32 aircraft के बारे में आपको बता देता हूं पहले मैं, it's a transport aircraft. ओके, AN-32 इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसको हम अपग्रेड करना चाहते थे, वी वर ट्राइंग टू अपग्रेड दिस एंड देयरफॉर वी हैड अ डील विद यूक्रेन, यूक्रेन के साथ हमने डील किया था इसको अपग्रेड करने के लिए, ओके, वी वर ट्राइंग टू हैव अ डील विद यूक्रेन एंड 2009 में, बेसिकली इन 2009 इंडिया फाइनलाइज्ड अ मेजर अपग्रेड एंड लाइफ एक्सटेंशन प्लान फॉर द एंटायर फ्लीट ऑफ 105 AN-32 एयरक्राफ्ट। यहां पे आपको दिख रहा होगा इन 2009 इंडिया फाइनलाइज्ड द मेजर अपग्रेड एंड लाइफ एक्सटेंशन प्लान फॉर द फ्लीट ऑफ 105 AN-32 एयरक्राफ्ट। तो AN-32 एयरक्राफ्ट जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके अपग्रेड के लिए 2009 में हमने किसके साथ ये चीज की थी, डील की थी, हमने की थी डील यूक्रेन के साथ, ओके। और ये हमने एक्वायर एक्चुअली कहाँ से किया था, ये सोवियत यूनियन यानी कि हमने यूएसएसआर यानी कि रशिया बोल सकते हैं एक तरीके से, यूएसएसआर के टाइम से हमने इससे लिया था, बेसिकली रशिया नहीं बोलना चाहिए, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर से हमने एक्वायर किया था AN-32, ओके। और यूक्रेन के साथ हमने इसको अपग्रेड करने की डील की थी, एंटोनोव स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ यूक्रेन वहाँ की जो बॉडी है, एंटोनोव स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ यूक्रेन उसके साथ ये डील हुई थी। नाउ यूक्रेन क्या सजेस्ट कर रहा है हमको, यूक्रेन ने हमको भी रिसेंटली बोला है कि नाउ दे कैन रिप्लेस AN-32 फ्लीट
विद AN-132 एयरक्राफ्ट. ओके, तो उनका और ज्यादा अपग्रेडेड नया वर्जन एयरक्राफ्ट का आ गया, दैट इज AN-132, AN-132, और उससे वो रिप्लेस करना चाहते हैं हमारे AN-32 फ्लीट को. तो दैट इज अ गुड थिंग. IAF यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये AN-32 है, एंटोनोव स्टेट उसका दिया हुआ AN-32 है, इसको अपग्रेड करना है. और उन्होंने हमको ये सजेस्ट किया दैट दे कैन रिप्लेस दिस AN-32 विद AN-132 एयरक्राफ्ट. ओके, तो दैट इज अनदर गुड थिंग विच इज देयर. ओके, अब ये जो एयरक्राफ्ट एंटोनोव है, दिस एयरक्राफ्ट वॉज जॉइंटली डिजाइन बाय यूक्रेन एंड सऊदी अरेबिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इट वॉज जॉइंटली डिजाइन बाय यूक्रेन एंड सऊदी अरेबिया. दिस इज द न्यूज़ विच यू शुड रिमेंबर, कि किसने इसको डिजाइन किया है. अगर आपसे कोई पूछे एंटोनोव किसने डिजाइन किया है, तो यूक्रेन और सऊदी अरेबिया ने मिलकर डिजाइन किया है. सो दैट इज द थिंग. ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं एंटोनोव के बारे में, अपग्रेड के बारे में, और AN-132 के बारे में. यूक्रेन से ये हो रहा है हमारा, तो एंटोनोव जो कंपनी है वो यूक्रेन की ही है, दे आर यूक्रेनियन मैन्युफैक्चरर. ओके, तो ये भी याद रखेगा. एंड एयरफोर्स में AN-32 को रिप्लेस करके AN-132 और एंटोनोव किसने बनाया था, यूक्रेन प्लस सऊदी अरेबिया ने ये एयरक्राफ्ट बनाया था. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा. ओके, असम हूच ट्रेजेडी टोल राइजेस टू 143. तो हूच बेसिकली क्या होता है, इलिसिट लीकर होता है, याद रखिएगा, इलिसिट लीकर. ओके, तो इलिसिट लीकर जो ऐसे मिलावटी, जो देसी शराब में मिला उला के जो पूरा बनाते हैं, अंडरग्राउंड में चलती जो ब्लैक टाइप में, वो कहलाती है हूच. और उस कारण से जो वहाँ पर डेथ टोल है असम में 143 बढ़ गई है. Now, in the first Air Force commissions Air Surveillance, okay, तब Air Force ने Air Surveillance प्रोग्राम को कमीशन किया है. इसका नाम जो है, उस प्रोग्राम का नाम मैं यहाँ से बता देता हूँ, दोनों जगह सेम चीज़ है. इसका नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी. बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम, याद रखेगा, नेम ऑफ द प्रोग्राम इज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी. और ये एक सर्वेलेंस का प्रोग्राम रहेगा, एरियल सर्वेलेंस, ऊपर से हवा से, मतलब आसमान से आंखें रहेंगी जो कि आपके ऊपर नजर रखेंगी. बेसिकली आपके ऊपर नजर नहीं रखी जाएगी, यहाँ पे देखो सर्वेलेंस क्यों हो रहा है. बेसिकली दिस इज फॉर मॉनिटरिंग द सस्पिशियस मूवमेंट्स. ओके, सस्पिशियस मूवमेंट अगर कहीं हो रही है, मतलब जहां पर लोगों का नहीं होना चाहिए था वहां अगर लोग पाए जाएं, तो वो सस्पिशियस होता है कि नहीं होता. अगर लिखा है कि यहां जाना मना है, फिर वहां पर लोग मिल जाएं, तो बेसिकली दैट इज अ सस्पिशियस एक्टिविटी. या रात में जहां पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वहां पे अगर मूवमेंट हो रही है, सो दैट इज आल्सो अ सस्पिशियस एक्टिविटी. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू टैकल ऑल दी सस्पिशियस एक्टिविटी, या मॉनिटर करने के लिए कहां पे सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है उसको देखने के लिए, और जो मान लो फॉरेस्ट कवर के अंदर ही कोई ऐसी गतिविधि हो रही है नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे कि म्यांमार के बॉर्डर में हुआ था हमारे साथ, हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो गया था फॉरेस्ट एरियाज में, दैट हैज बीन देयर. ओके, उरी मूवी में दिखाया भी गया है वो अटैक के बारे में. तो याद रखिएगा, कुछ इस तरह की चीजें अगर इंटरनेशनल बॉर्डर में हो रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है. इट इज द फर्स्ट ऑफ द कंट्री, इट इज द फर्स्ट फॉर द कंट्री दैट सीक्स टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द सस्पिशियस मूवमेंट्स. किसके लिए बेसिकली प्रोग्राम है, टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द सस्पिशियस मूवमेंट्स, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स. 2 सालों के अंदर इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा. दिस इज द न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स. ओके, याद रखिएगा, ये कमीशन किया गया है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रोग्राम. And इसमें जो डेटा मिलेगा दैट विल बी प्रोसेस्ड विद इन मिनट्स, एंड द रिसर्चर्स वुड बी एबल टू टेल द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट सस्पिशियस एक्टिविटी. ओके, तो बेसिकली जो रिसर्चर्स रहेंगे वो पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको एनालाइज कर लेंगे, और उसके बाद वो बहुत जल्दी उसको उस प्रोग्राम के बारे में, उस इंफॉर्मेशन को किसके पास पहुंचा देंगे, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे ग्राउंड में रहेंगी उनको बता देंगे कि ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिली है. नाम याद रखिएगा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी, और द टाइम फ्रेम is within 2 years it will be there. और इसको बना कौन रहा है, IAF has roped in former NASA scientist कुमार कृष्णन. तो कुमार कृष्णन जो कि former NASA scientist है, उनको include किया गया है. The aerial surveillance system will track suspicious activities in areas where dense tree cover along the border. तो ऐसे areas जो जहाँ पे dense tree cover है along the border, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा surveillance करेगा. ये भी याद रखेगा, ज़्यादातर ये surveillance activities कहाँ होंगी, जहाँ पे dense tree cover है along the border areas. Okay, so that is very very important. EVM is information under RTI. This is what Chief Information Commission is saying that. क्योंकि अभी recently एक व्यक्ति ने information मांगी थी EVM के regarding, जिसको कि मना कर दिया गया that it is not included under RTI, but now CIC is saying that EVM is very much under RTI. तो अगर EVM के बारे में information मांगी जाए, तो आप उसको जरूर provide करिए. Electronic voting machine, यही है EVM का full form. ये right to information act के अंतर्गत है. This is what CIC यानी कि Chief Information Commission is saying.
डीएनए फॉरेंसिक्स अ वाइटल टूल फॉर क्रैकिंग द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। अब ऐसा क्यों बोला गया, देखो ये आपको एज इट इज याद रखना है कि डीएनए फॉरेंसिक्स का यूज आप कर सकते हैं फॉर क्रैकिंग द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन यूपीएससी मान लो पूछता है कि व्हाट कैन बी डन टू क्रैक द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, तो उसमें आप डीएनए फॉरेंसिक्स का नाम जरूर लिखिएगा। अब बेसिकली हुआ ये कि अभी एक 23 साल के यूथ को पकड़ा गया जिसने कि अपनी फोटो डाली थी फेसबुक में एक एनिमल को मार के, फिर जब उसके यहाँ पुलिस गई तो तब तक तो उस एनिमल का वो मीट बनाने लगा था, दैट वाज हाफ कुक्ड मीट, ऐसा होता है कि हाफ कुक्ड था वो उस समय मीट। तो उस व्यक्ति ने अपने सारे चार्जेस को डिनाई कर दिया, उसने कहा कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो बेसिकली डीएनए फॉरेंसिक के थ्रू पता चला कि वो जो मीट था वो था एशियन पाम शिवे का। ओके, तो एशियन पाम शिवे का मीट था वो, और ये शेड्यूल टू स्पीशीज है, ये याद रखिएगा, ये शेड्यूल टू स्पीशीज है विच इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो एशियन पाम शिवे इज बेसिकली शेड्यूल टू स्पीशी। अब यूपीएससी क्या करता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन पाम शिवे इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन विल बी सेइंग दैट इट इज अ शेड्यूल वन स्पीशीज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि एशियन पाम शिवे जो है वो शेड्यूल टू स्पीशीज है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट अबाउट एशियन पाम शिवे। जब ये पता चला तो फिर वहां से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो चार्जेस लगाने थे उसके ऊपर वो लगा दिए गए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फॉरेंसिक्स, किस तरह से उसका यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी स्पीशीज है या क्या क्या चीजें रही होंगी। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे एक और नाम आ रहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में बता देता हूँ। इट वॉज बेसिकली फाउंडेड ऑन 1 जुलाई 1916, 1 जुलाई 1916 को बनाई गई थी ये बॉडी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता में है ये इसका बेसिकली सेटअप, और इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, याद रखिएगा, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और बेसिकली दे आर डूइंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फौना इन द कंट्री। ओके, एक्सप्लोरेशन और रिसर्च जो इनका होता है बेसिकली वो फौना के रिगार्डिंग होता है, फ्लोरा के रिगार्डिंग नहीं होता है। फ्लोरा के रिगार्डिंग किसका होता है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होता है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये फौना के रिगार्डिंग करता है। ओके, तो ये भी याद रखेगा, एशियन पाम शिवे के बारे में बता दिया वो भी याद रखेगा। लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन, द फर्स्ट इज टेरर टाइमलाइन। बेसिकली दिस इज ऑन एक्शंस बीइंग टेकन अगेंस्ट पाकिस्तान बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने काफी ज्यादा एक्शंस लिए हैं, तो उसके बारे में अपन डील करेंगे। पहले मैं जल्दी से जो नहीं लिखा है वो बता दूं, FATF मैंने कई बार डिस्कस किया है, अरे मुझे ही रट गया तो आपको तो रट ही जाना चाहिए अभी तक, है ना। तो FATF याद रखिएगा 1989 में बनाई गई थी, एंड किसके सजेशन में बनाई गई थी, वो बनाई गई थी G7 के सजेशन में। ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका इनिशिएटिव था FATF बनाने का, G7 का इनिशिएटिव था। कब बनी थी, 1989 में बनी थी। बेसिकली जब बनी थी तो मनी लॉन्ड्रिंग उसका एम था, मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने का एम था, लेकिन 2001 में उसमें टेरर फाइनेंसिंग भी इंक्लूड कर दिया गया। सो दीज आर द फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर अगेन रिगार्डिंग द FATF। ओके, ये फैक्ट्स याद रखेगा। अब बेसिकली हुआ ये है कि अभी उसने पाकिस्तान को बोला है कि दे हैव गिवन अ 10-point एडवाइजरी टू पाकिस्तान। ओके, FATF हैज इशूड 10-point एडवाइजरी टू पाकिस्तान इफ इट वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। अब आपको पता है कि ग्रे लिस्ट में 2018 से है पाकिस्तान FATF का। Now, FATF is saying that कि अगर आपको ग्रे लिस्ट से बाहर आना है तो आपको 10 पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, बट अगर आप नहीं फॉलो करते देन यू विल बी ब्लैक लिस्टेड, आप ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है कि दैट ग्रेटर फाइनेंशियल स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं तो फिर और ज्यादा स्क्रूटनी होगी फाइनेंसिस की, गवर्नमेंट फाइनेंसिस की। देन देयर विल बी सैंक्शंस अगेंस्ट द सेंट्रल बैंक एज वेल, जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है उसके अगेंस्ट सैंक्शंस भी लग जाएंगे, प्लस जो उनकी क्रेडिट रेटिंग है, फाइनेंशियल रेटिंग है, वो भी डाउनग्रेड कर दी जाएगी। तो ब्लैक लिस्ट होने के बाद काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि उसको और ज्यादा सीजर करेगी, उसको और ज्यादा वहां पे नैरो बना देगा पाकिस्तान के पूरे क्रेडिट मैकेनिज्म को, फाइनेंस मैकेनिज्म को। ओके, तो दैट इज द थिंग विच विल हैपन आफ्टर बीइंग ब्लैकलिस्टेड बाय द FATF। तो एडिटोरियल सेज दैट पाकिस्तान इज ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट डेट क्राइसिस एंड दे कैन हार्डली इग्नोर द FATF एडवाइजरी। तो FATF ही एकमात्र ऐसा रिस्पॉन्स है आई थिंक जो कि इंडिया की तरफ से कुछ उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है, अदरवाइज जो हमने किया तो वो तो बैकफायर ही कर गया था, है ना। तो YC वाला अगर आपको याद हो, ओलंपिक कमेटी वाला जो हमने किया, ओलंपिक कमेटी वाला सॉरी, उन्होंने हमको ही बैन कर दिया, हमने उल्टा करने की कोशिश की तो उन्होंने हमको ही बैन कर दिया। तो बेसिकली ये सब चीज़ तो बैकफायर कर गई, अदरवाइज हार्डली उसका इम्पैक्ट होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे, देखना पूरी चीज़ें फिर से डिस्कस होंगी आज। तो FATF की एडवाइजरी को हार्डली पाकिस्तान इग्नोर कर सकता है क्योंकि दे आर ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट डेट क्राइसिस। नाउ बहुत चीज़ें हैं जैसे कि FATF टू पेसीफाई FATF, पाकिस्तान ने क्या किया, जमातुद दवा को बैन कर दिया। ओके, एंड फलाह इंसानियत फाउंडेशन को बैन किया। तो पाकिस्तान ने खुद 2-3 स्टेप उठाए हैं ताकि वो FATF को थोड़ा और स्लो कर सके कि ठीक है देखो हम भी काम कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं।
लेकिन मेन जो चीज़ है, जैसे जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर को डिक्लेयर करना, ये सारी चीज़ें अभी नहीं की जा रही हैं। मसूद अजहर को अभी भी टेररिस्ट नहीं घोषित किया गया, दे आर नॉट सपोर्टिंग दैट थिंग, उसको प्रोटेक्शन अभी भी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं और ये जब तक नहीं खत्म होगा तब तक आई डोंट थिंक इंडिया को भी सरेंडर करना चाहिए, इंडिया को भी तब तक लगे रहना चाहिए जब तक ये सारी चीज़ नहीं हो जाती है, जैश ए मोहम्मद के ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता है। ओके, एंड एडरल यही कह रहा है कि पाकिस्तान को जो है और ज़्यादा प्रेशर करना चाहिए थ्रू ऑल दिस इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स, इन तरह के मैकेनिज्म्स के थ्रू और ज़्यादा प्रेशराइज करना चाहिए, तभी जाके पाकिस्तान थोड़ा क्रैकडाउन करेगा और तब उसको समझ में आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही है ना, आफ्टर पुलवामा सॉरी रिस्पॉन्स, बेसिकली दिस वॉज ऑन इंडियाज रिस्पॉन्स आफ्टर द पुलवामा अटैक। ओके, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया पुलवामा अटैक के बाद, उसके ऊपर है, इट वॉज अ सॉरी रिस्पॉन्स, दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग, दैट हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया नहीं, है ना। एंड इट द राइट टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन टू आर गवर्नमेंट, हम ये जैसे ऑथर ने कहा है कि लोग कहते हैं क्वेश्चन मत करो, यू कैन नॉट क्वेश्चन द एस्टैब्लिशमेंट। कल भी कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि सर आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, ये हो वो हो, तो ठीक है, आई डोंट कंसिडर दोज स्टेटमेंट्स, मैं उनको ज्यादा भाव नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि दिस इज द राइट टाइम टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। क्या क्वेश्चन करना गवर्नमेंट को एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहलाता है, या ये तो भाई फ्रीडम है आपकी कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप क्वेश्चन कर सकते हो, इवन द हाइएस्ट डीटी, आप इवन गॉड को भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं कि ऑथर ने भी यही कहा है कि दैट इट इज द राइट टाइम टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, है ना, बिकॉज गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जितने भी आपको प्रिपोजिशन पता है वो सारे लगा के आप गवर्नमेंट के साथ बता सकते हो, है ना। बट वही है, फार ऑफ फ्रॉम द पीपल नहीं है गवर्नमेंट, इट इज फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, नॉट फार ऑफ फ्रॉम द पीपल, एनसीईआरटी का ये कोट है। नाउ अदर सेज दैट कि जो हमने स्टेप्स उठाए, जो सारे स्टेप्स हमने उठाए वो सफिशिएंट नहीं है, उसके पहले उसने ये चीज़ बोली कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन थी कि जो सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जा रहा है उसके ऊपर अटैक हो सकता है, देन वाई सच अ मिसहैप हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ कि आपने उसको फोर्टिफाई नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं दी, सर्वेलेंस नहीं किया, आपने क्यों इस तरह से, मतलब इस तरह से अटैक कैसे पॉसिबल हो पाए जब आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है, तो हो सकता है बीच में कोई ऐसी गतिविधि हो जाए। दूसरी चीज़ कि आप जो है आपने, ठीक है, यू डू नॉट नो, आपने क्या किया, आपने बोला एफएमएफएन स्टेटस हटा दो, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटा दो, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटाने से क्या होगा, दिस हैज़ हार्डली एनी इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इट विल हार्डली इम्पैक्ट पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाओगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो ऑलरेडी, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हाईली हमारे ही फेवर में है, दैट इज़ इन आर फेवर, फिर इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना, वो तो हमारे ही फेवर में है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे ही फेवर में है, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रेजिंग द इम्पोर्ट टैरिफ। दूसरी चीज़ कि आपने बोला ठीक है हम पानी को यहाँ पे अपने तरफ यूज़ करेंगे, इंडिजिनस वाटर को यूज़ करेंगे और हम कहीं से भी पानी उनको नहीं जाने देंगे, तो ये सारी चीज़ें मटेरियलाइज होने में 4 साल का समय और लग जाएगा। ओके, तो 4 साल तक ऐसे ही सब कुछ चलेगा, तो दिस इज़ द अनदर फैक्ट विच इज़ देयर कि 4 साल तक उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, तो क्या इतना ज़्यादा डिले होना चाहिए, जो रिस्पॉन्स आज देना है वो उसमें क्या 4 साल तक का वेट करेंगे क्या अपन बैठ के। तीसरा चीज़, हमने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन को बैन किया लेकिन दैट बैक फायर्ड विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओके, जिन्होंने हमसे ही हमारे इवेंट जो होस्ट करने की पावर थी वो छीन ली, प्लस हमारे ही 3 प्लेयर्स को नहीं अलाउ कर रहे, नाउ दे आर नॉट अलाउंग दैट, तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें बोली है। देन दे हैव प्रेज द FATF मैकेनिज्म एज वेल, उन्होंने थोड़ा प्रेज किया FATF को कि FATF ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और इंडिया को और ज्यादा प्रेशराइज करना चाहिए थ्रू FATF, कुछ सजेशंस और दिए हैं, दैट ये है कि पाकिस्तान रशिया के ऊपर ये फोर्स करना चाहिए कि रशिया उनको कुछ भी आर्म्स सेल नहीं करेगा जब तक वो जैश ए मोहम्मद और जमातुद्दवा के अगेंस्ट और ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं, टिल द टाइम दे डू नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दिस जमातुद्दवा एंड जैश ए मोहम्मद, तब तक रशिया को उनको आर्म्स नहीं सेल करना चाहिए। देन दूसरा स्टेप सजेशन ऑथर ने ये दिया कि नॉर्मलसी लाओ ऑफ कश्मीर में, कश्मीर में आपको नॉर्मलसी लाना है क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों का जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं जीतोगे, जब तक आप वहाँ के लोकल लोगों को नहीं उनके हार्ट्स को जीतोगे, तब तक आप एक्ट नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, ये सब फोर्सेस तब तक हावी रहेंगे आपके ऊपर जब तक आपके लोकल सिटीजन आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच हैज़ बीन सेड।
Now, safety nets, this is basically on the new rules regarding the unregulated deposit schemes. So, अभी government ने एक ordinance pass किया जिसका नाम है banning of unregulated deposit schemes. Okay, banning of unregulated deposit schemes. अब ये basically Ponzi schemes के regarding था. अब ये ऐसी schemes को ban करता है. Now, this ordinance bans or bars all these deposit schemes in the country which are not officially registered with the government. जो भी scheme, इस तरह की deposit scheme, अगर वो government के साथ साथ officially registered नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट उसको बैन कर रहा है. दिस इज व्हाट दिस स्कीम दिस इज व्हाट दिस ऑर्डिनेंस मींस. ओके, दिस ऑर्डिनेंस बार्स और बैन्स ऑल द डिपॉजिट स्कीम्स इन द कंट्री दैट आर नॉट ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. और याद रखिएगा कि वो कस्टमर से डिपॉजिट ले रही है और वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिर एलिजिबल नहीं है, वो लीगल नहीं है स्कीम ऐसी. ठीक है, तो ये इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट विल हैव अ डेटाबेस. गवर्नमेंट के पास एक पूरा डेटाबेस रहेगा कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, क्योंकि आप सारी स्कीम्स को रजिस्टर होना पड़ेगा. जब सारी स्कीम्स रजिस्टर हो जाएंगी तो गवर्नमेंट विल हैव अ प्रॉपर डेटाबेस ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम्स विच आर गोइंग ऑन देयर. ओके, गोइंग ऑन इन द कंट्री. नाउ इसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट कैन रेगुलेट देयर एक्टिविटीज एंड प्रिवेंट द फ्रॉड फ्रॉम बीइंग कमिटेड. अगर एक बार गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, देन दे कैन डू व्हाट, they can regulate their activities as well as they can prevent the fraud from being committed. Fraud होने से वो रोक सकते हैं, जैसे शारदा चिट फंड और ये सब, रोज वैली पार्क, ये सब जैसे पॉन्जी स्कीम्स के नाम पे जो ठगा जाता है लोगों को, ऐसे फ्रॉड एक्टिविटीज नहीं होंगे, है ना. And unregulated deposit schemes are important source of saving for unorganized sector workers, but they have been misused by miscreants to swindle away the money of depositors. अब जो unregulated deposit schemes थी ना, basically ये helpful थी unorganized sector के लिए. जो unorganized sectors हैं, workers हैं, laborers हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनके लिए ये basically unregulated deposit schemes उनके लिए काम करती थी, but उसका misuse किया गया ना. वो उनके ऊपर भरोसा करके जमा करते थे और बाद में वो पैसा लेके चिट हो जाते थे, है ना. चिटफंड है ना, तो वो चित हो जाते थे, पैसा लेके ही गायब हो जाते थे. तो बेसिकली यहाँ पे भरोसा तोड़ा गया, उनके साथ उनको बेवकूफ़ बनाया गया और उनके मतलब छोटे छोटे कम टाइम पीरियड में ज़्यादा प्रॉफिट के मतलब हथेली में चांद दिखाना, जैसे मुरलाल सर बोलते हैं ना, हथेली में चांद दिखाना, बेसिकली वही चीज़ थी कि हथेली में चांद दिखाए गए और फिर उसके साथ उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा लेके भाग गए. तो दिस इज़ द स्कीम, दिस जो ये ऑर्डिनेंस रहेगा, इसके बाद ये सारी फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो सकता है थोड़ा कम हो जाए. दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ थॉट एंड इसीलिए ये ऑर्डिनेंस आया है. ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग याद रखिएगा, आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के अंतर्गत है और दैट इज़ नॉट द पैरेलल लॉ मेकिंग पावर. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखें कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट द पैरेलल लॉ मेकिंग पावर. ये पैरेलल लॉ मेकिंग पावर नहीं है, मतलब अगर पार्लियामेंट सेशन में है तब ये पावर काम नहीं करती है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तभी ये काम करे ऑर्डिनेंस वाली. ओके, डीऑर्डराइजिंग सीवेज, बेसिकली ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था. ये काफी फैक्ट्स हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको हमारे जो स्कीम्स है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, स्मार्ट सिटीज मिशन है या अमृत मिशन है, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया है. दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड. ओके, आर श्रीनिवासन का कहना यह है कि जो सेंट्रल स्कीम्स है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन या स्मार्ट सिटीज या अमृत मिशन, वहां पे इसको टैकल नहीं किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को. अब कुछ डेटा दिया है उन्होंने, दैट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो CPCB है, 63% ऑफ अर्बन सीवेज फ्लोइंग इनटू रिवर्स इज अनट्रीटेड. 63% अर्बन सीवेज जो फ्लो कर रहा है रिवर्स में वो अनट्रीटेड सीवेज है. एंड अप टू 1/3 ऑफ इंस्टॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फुल्ली और पार्शली डिसफंक्शनल. 1/3 जो सीवेज ट्रीटमेंट हो भी रहा है वो डिसफंक्शनल है, मतलब 33% तो डिसफंक्शनल चल रही है सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, इसलिए 63% जो अर्बन सीवेज है वो अनट्रीटेड ही रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, तो इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है. फिर स्मार्ट सिटी मिशन में केवल 2.4% ऑफ द मनी इज गोइंग ऑन वेस्ट मैनेजमेंट. केवल 2.4% मनी जो है वेस्ट मैनेजमेंट जा रही है वो इन द स्मार्ट सिटीज मिशन. तो 2.4% मनी से क्या होता है, जब मेजर प्रॉब्लम वेस्ट मैनेजमेंट की है और उसमें केवल 2.4% पैसा जा रहा है पूरी स्कीम का, तो फिर क्या बेनिफिट रहेगा उस स्कीम का. ऑथर ऑल्सो हाईलाइट दैट मोस्ट ऑफ द टॉयलेट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन आर नॉट कनेक्टेड टू सीवेज सिस्टम. जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट्स बनाए भी जा रहे हैं उनको सीवेज सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया गया है, तो उससे वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी. प्लस वाटर की मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं है. वाटर देखो, टॉयलेट तो बना दिया गया पर वाटर फैसिलिटी नहीं है, तो फिर क्या, कैसे आप सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट करोगे. ओके, तो वही ऑथर ने कहा है कि इसको प्रायर अटेंशन देना चाहिए और प्रायोरिटी के साथ इसको देखना चाहिए कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये प्रॉपरली हो, अदरवाइज वी विल बी चोकिंग और बींग पॉइजन बाय अवर ओन वेस्ट. हम अपने ही वेस्ट में चोक हो जाएंगे और अपने ही वेस्ट के थ्रू हम पॉइजन हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड वेरी क्लियरली एंड वेरी राइटली ऑल्सो.
ओल्ड चैलेंजेस इन बिल्डिंग अ न्यू केरला, बेसिकली यहाँ पे नव केरला या न्यू केरला बनाने की बात की जा रही है आफ्टर 2018 फ्लड्स, उसमें कौन कौन से इशूज है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज और ये सारे इशूज तो रहते ही हैं, हमको पता है कि जब फ्लड आया तो बहुत सारा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, जान और माल दोनों का नुकसान हुआ, और वो सारी चीज़ें तो रहेंगी कि बिल्डिंग बनानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, नए नए हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि ओल्ड चैलेंजेस, जैसे कि फर्स्ट वाइडनिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो बढ़ती जा रही है उसको टैकल करना है। दूसरा मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये कुछ ओल्ड चैलेंजेस हैं, यही इसीलिए मैं बता रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारे तो लिख ही लेंगे सब लोग, लेकिन ये वाले चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है। और ये चैलेंजेस आप पूरे इंडिया में आप लिख सकते हो, है ना, जैसे अगर आपको कोई बोले ना कि न्यू इंडिया बनाने के क्या चैलेंजेस हैं, सेम जो है आपके न्यू इंडिया के भी चैलेंजेस हैं ये। मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो मार्जिनलाइज हो रही है मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, जैसे PVTGs ही ले लो, तो वो सारी चीजें। एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, देखो ये पूरे इंडिया में वैलिड है ये, है ना, सिर्फ केरला का पॉइंट नहीं है, पूरे इंडिया का वैलिड पॉइंट है। एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, हाई सुसाइड रेट्स, ये पूरे इंडिया का वैलिड पॉइंट है। रोड एक्सीडेंट्स, अगेन वैलिड पॉइंट। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट एक्शंस, ये भी पूरे इंडिया में चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अभी भी नहीं है, सिर्फ केरला में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं है। एंड ऑल दीज इश्यूज नीड टू बी एड्रेस टू बिल्ड अ न्यू केरला एज वेल एज अ न्यू इंडिया। ओके, तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल चिपका सकते हैं इसको न्यू इंडिया में भी। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज आइटम आई है। सो ये जो न्यूज़ है आपको देखना, प्रॉब्लमेटिक सर्टिफिकेट, ये बेसिकली वही PRC के बारे में ही है, तो पूरा मैंने डिस्कस किया फ्रंट में, वही न्यूज़ है, सेम टू सेम डिट्टो वही न्यूज़ है, बस यहाँ पे नाम वाम दे दिया कि जो नई कमेटी थी वो रेबिया ने बनाई थी, रेबिया कमेटी थी, और इसके पहले जो कमेटी थी कम संजॉय कमेटी थी, लेकिन वो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। लेकिन अभी जो कमेटी है, याद रखिएगा, रेबिया कमेटी थी और उन्होंने ही बोला था कि इसको दे देना चाहिए, 6 नॉन कम्युनिटीज़ को दे देना चाहिए PRC, तो याद रखिएगा। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, जो कि एविक्शन ऑर्डर था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया कि जो लोग अपना क्लेम नहीं बता पाए, मतलब कि फॉरेस्ट राइट के ऊपर, लैंड के ऊपर अपना राइट या पट्टा या अपना क्लेम नहीं शो कर पाए हैं, उनको बेसिकली एविक्ट कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही क्लैरिफाई किया कि दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड इट इज अगेंस्ट द इनक्रोचर्स, ये बेसिकली ट्राइबल्स के रिगार्डिंग नहीं है, ट्राइबल्स को नहीं इविक्ट करना चाहते, इंक्रोचर्स को इविक्ट करना चाहते, जिन्होंने इंक्रोच कर लिया, जिन्होंने लैंड को इंक्रोच कर लिया है। अब इसमें बहुत प्यारी चीज़ एक बताई गई है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो लोग कह रहे थे कि ये उसके अगेंस्ट जाएगा, उसमें बहुत सही क्लैरिफिकेशन आया। द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स, जी ये वेरिफिकेशन का क्लेम का जो ये होगा, जो प्रोसेस होगी उसको करेगा कौन, दैट विल बी इनिशिएटेड बाय नन अदर देन द ग्राम सभा, जो वहाँ की ट्राइबल ग्राम सभा है वही इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, वही इस क्लेम को देखेगा वेदर दीज पर्सन आर हैविंग वैलिड क्लेम्स और नॉट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि पहले अपन ने न्यूज़ में नहीं देखा था, लेकिन अभी क्लैरिफिकेशन में आया है, दैट द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स, मतलब क्या होगा, जैसे सपोज आप ट्राइबल लैंड आपने आपके पास है, आपने वहाँ पर कब्जा किया हुआ है, बट आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर पट्टा नहीं है। ओके, तो ये चीज कौन चेक करेगा, ये चीज चेक करेगा वहां का ग्राम सभा, दे विल डू बेसिकली द वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द ग्राम सभा, वो चेक करेंगे। अब अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं, आप एक इंक्रोचर हो, तो आपको वहां से इविक्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपको अगर आपके पास प्रॉपर राइट नहीं है एंड देन ऑल्सो यू आर इंक्रोचिंग द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स, देन आपको वहां से निकाल देना चाहिए, एविक्ट कर देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर है, और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी आ गया ना कि जब चेकिंग आपके ही लोग करेंगे, चेकिंग वहां पे कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं करेगी, चेकिंग वहां की ग्राम सभा करेगी, एंड इवन दैट ग्राम सभा विल हैव द प्रॉपर कंपोजिशन हैविंग इनफ वल्नरेबल ट्राइब्स, इनफ शेड्यूल ट्राइब्स, तो वहां की शेड्यूल ट्राइब्स को और वहां के जो वल्नरेबल ट्राइब्स हैं वहां को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब जाके वो ग्राम सभा वहां पे ये देखेगी कि क्या आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड है या नहीं, एंड वेदर यू आर हैविंग राइट ओवर दैट लैंड और नॉट। तो अब ये चीज आपको याद रखना है कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, इसका अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखने के लिए आए, आपको उसका सपोर्ट लिखने के लिए आए, तो आप इसमें ये चीज जरूर मेंशन करिएगा कि इसके सपोर्ट में कि ये जो ऑर्डर है बेसिकली ये इंक्रोचर्स के अगेंस्ट का ऑर्डर है, और ये चेक कौन करेगा, ये चेक गवर्नमेंट नहीं करेगी। देखो गवर्नमेंट अगर चेक कर रही होती तो बिल्कुल समझ में आता है कि ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट अब ग्राम सभा चेक करेगी, वहीं के लोग चेक करेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर ही चेक करेंगे, और वहां की जो PVTGs हैं वो चेक करेंगे। और अगर कोई आदमी खुश नहीं है इस डिसीजन से, मान लो ग्राम सभा के डिसीजन से आप खुश नहीं है, देन एन अपील कुड बी मेड विद द सब डिविजनल लेवल,
सब डिविजनल लेवल कमेटी, तो सब डिविजनल लेवल कमेटी में आप अपील भी कर सकते हो ग्राम सभा के ऑर्डर के अगेंस्ट। सेकंड अपील भी हो सकती है विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, तो सेकंड अपील भी आप कर सकते हो विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो प्रॉपर आपके पास जो राइट्स हैं आपके, वो प्रॉपर आपको अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू वहां पे इंश्योर किया जा रहा है, और सिर्फ ग्राम सभा पे नहीं, फिर सब डिविजनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल पे भी आप अपील कर सकते हो। ओके, सो अगर ये सारी फाइनली रिजेक्ट हो जाती हैं, सारे फाइनली रिजेक्ट अगर हो, तब जाके आपको वहां से एविक्ट किया जाएगा। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट। ओके, अगर ये सारी अपील ये सब आप एग्जॉस्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ वियतनाम या हनोई में आप बेसिकली समिट होगा, जहाँ पे किम जोंग उन मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू, और यहाँ पे जो बात चलेगी मेन, वो डीन्यूक्लियराइजेशन की बात चलेगी। मतलब कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने, और वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात कर रहे हैं, बेसिकली उसकी उसको डीन्यूक्लियराइज करने की बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के साथ। ओके, प्योंगयांग वहाँ की कैपिटल है, वहाँ से किम जोंग उन चले हैं वियतनाम की तरफ, और याद रखिएगा। और बांग्लादेश हाईजैक अटेम्प्ट फॉइल्ड, बांग्लादेश में यहाँ बेसिकली एक अटेम्प्ट हुआ था कि एक प्लेन था उसको हाईजैक करने का, लेकिन उनको मार दिया गया। ओके, और बांग्लादेश में ये अटेम्प्ट जो है वो फॉइल कर दी गई। सो दैट इज द न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। ये याद रखिएगा बस कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो मीटिंग हो रही है वो डीन्यूक्लियराइजेशन उसका मेजर पॉइंट है। ओके, उसका मेन पॉइंट है वो डीन्यूक्लियराइजेशन है। अवर माइन एक्सपेंशन प्रोग्राम विल रिड्यूस इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंस बाय 25%। नाउ यहाँ पे बात चल रही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के जो मेन हेड है उनकी बात चल रही है, CMD की बात चल रही है, इंटरव्यू हुआ था। तो पहली चीज़ तो अपन देख लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या है। इट इज़ अ लिस्टेड PSU, याद रखिएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज अ लिस्टेड PSU एंड इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर engaged in mining, beneficiation, smelting, refining and manufacturing of the value-added products. याद रखेगा, इतनी चीजें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करता है। क्या क्या काम करता है? माइनिंग का, beneficiation, smelting, refining और manufacturing of the value-added products. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड PSU है, लिस्टेड PSU है। इंडिया के रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि इंडिया इज होल्डिंग अबाउट 2% ऑफ द ग्लोबल कॉपर रिजर्व। तो ग्लोबल कॉपर रिजर्व का 2% हमारे यहाँ है। कॉपर के लिए जो अभी स्टार्ट किया जा रहा है बेसिकली वो माइनिंग एंड ओर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम है। ओके, तो माइनिंग एंड ओर एक्सप्लोरेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम है जो कि क्या टारगेट कर रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ओर कैपेसिटी फ्रॉम 3.8 मिलियन टन्स टू 20 मिलियन टन्स बाय 2024। बेसिकली याद रखिएगा माइन एक्सपेंशन प्लान क्या है, टू टेक द ओर कैपेसिटी फ्रॉम 3.8 मिलियन टन्स इन 2018 टू 20 मिलियन टन्स बाय 2024। 2024 तक जो ओर कैपेसिटी है, ओर कैपेसिटी उसको बढ़ाना है 3.8 मिलियन टन से लेके 20 मिलियन टन तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है, और ये कहलाता है माइन एक्सपेंशन प्रोग्राम। और ये बेसिकली कौन से स्टेट्स को टारगेट करेगा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। जो लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको मलाजखंड जरूर याद रहेगा, तांबा मलाजखंड एरिया में, बालाघाट रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रीजन है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है वो। ओके, याद रखिएगा। एंड हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो 25% से घट जाएगी, लगभग 25% रिड्यूस हो जाएगी इफ़ वी आर एबल टू परफॉर्म दिस माइन एक्सपेंशन प्रोग्राम। ओके, तो ये जो इंटरव्यू था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कंसिस्टेंसी इज द की। अब यहां पे देख लेते हैं सबसे अधिक फेलियर किस PSU में हुआ है या कहां पे हुआ है, वो हुआ है भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL में सबसे बड़ा लॉस हुआ है, 42,313 करोड़ का लॉस हुआ है, सबसे अधिक लॉस। फिर उसके बाद एयर इंडिया में हुआ है। सबसे अधिक प्रॉफिट कहां हुआ है, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC में सबसे अधिक प्रॉफिट हुआ था। ये दोनों याद रखिएगा, सबसे अधिक लॉस BSNL, पूछा जा चुका है क्वेश्चन सबसे अधिक लॉस किस में हुआ था एक बार और पूछा गया था, ये याद रखिएगा। BSNL सबसे ज्यादा लॉस और सबसे अधिक प्रॉफिट जो है ONGC में हुआ है, उसके बाद IOCL में हुआ है। ओके, IOCL में सबसे अधिक प्रॉफिट उसके बाद हुआ है, पहले ONGC में फिर IOCL में। ओके, लॉस में अगर बात करें तो सबसे अधिक भारत संचार निगम लिमिटेड, फिर एयर इंडिया में। ओके, तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, है ना। अब क्रिकेट में तो कल हम हार ही गए ऑस्ट्रेलिया से, लास्ट बॉल में हारे, है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है लेकिन उमेश यादव को याद जरूर रखना है यार, उसने यार 14 रन बताओ लास्ट ओवर में दे दिए, दैट इज नॉट डन। Huawei unveils 5G phone with the foldable screen. Basically, Samsung has become the first major handset maker to offer the feature. जो foldable screen का feature है with the, ये तो वो सबसे पहले Samsung ने offer किया, उसके चार दिन बाद अब Huawei ने भी offer कर दिया है 5G phone with foldable screen. तो याद रखिएगा ये सबसे पहले किसने introduce किया था feature, ये Samsung ने introduce किया था, तो ये याद रखिएगा।
इन फर्स्ट टाइम सैमसंग ने किया, उसके बाद इन्हें अब हुआवी ने कर दिया है। नासा शेयर्स शार्पेस्ट इमेज ऑफ अल्टीमा थूले। अल्टीमा थूले बेसिकली क्या है? इट्स द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एवर एक्सप्लोर्ड बाय मैनकाइंड। मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एवर एक्सप्लोर्ड बाय मैनकाइंड इज अल्टीमा थूले। और नासा का जो न्यू हॉरिजॉन है बेसिकली एयरक्राफ्ट है, वो इनकी फोटोज ले रहा है। जो क्यूपर बेल्ट वाली चीज है ना, न्यू हॉरिजॉन किसके लिए? क्यूपर बेल्ट के लिए। तो याद रहे क्यूपर बेल्ट कहां से स्टार्ट होती है? जब नेपच्यून का खत्म होता है ऑर्बिट, उसके बाद बेसिकली वहीं से उसकी इनर लाइन शुरू हो जाती है। तो नेपच्यून के बाद से क्यूपर बेल्ट की ऑर्बिट शुरू होती है। अल्टीमा थूले इज द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एवर एक्सप्लोर्ड बाय मैनकाइंड। उसके ये इमेज शार्पेस्ट इमेज ली गई है, आप देख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड, आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।